मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल, चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल, चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती हैं। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंज तुम हो, सच्ची नंज किसे कहेंगे? और उत्तर में बाबा ने समझाया कि सच्ची नंज वह जिनकी बुद्धि में एक ही याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंज कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे तो उनकी बुद्धि में दो हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंज हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो बाबा ने कितना सुंदर समझाया कि बाबा कहते जो क्रिश्चियन धर्म में नंज कहलाती हैं, तो बाबा कहते वो सच्ची नंज नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में दो हैं, क्योंकि वो क्राइस्ट को मानते हैं और क्राइस्ट ने अपने आप को क्या कहा, सन ऑफ गॉड। तो उनकी बुद्धि में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हो गए ना। बाबा कहते लेकिन आपकी याद में नन बट वन, सिर्फ और सिर्फ एक परमपिता परमात्मा है। तो बाबा ने देखो कितना सुंदर एग्जांपल से इस चीज को समझाया। तो बाबा कहते बाप का फरमान है कि पवित्र रहना है। और गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने गीत सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। बाबा कहते अच्छा अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप, और ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो जाता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, क्या समझते हैं हम कि रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है, अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो कि बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता।
राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे सुख चैन शांति हो। वह तो है सुखधाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं। सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति यह दो सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। बाबा कहते तभी तो मैं आऊंगा ना। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है। क्या निश्चय है? कि हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आए। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में ये कौन थे ये किसी को पता नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे, उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। क्यों समझा सकते हैं? क्योंकि बाबा ने हमें अच्छे से समझा दिया है। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि हम 21 जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। जहां चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आधी मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा। बाबा कहते आत्माएं अनेक है, परमात्मा अनेक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी बड़ी सी, इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। बाबा कहते ज्ञान से सदगति मिलती है। इसीलिए कहानी जब सुनाई जाती है तो उसमें ये जरूर सिखाया जाता है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। क्योंकि कहानी एक इंटरेस्टिंग वे है लर्निंग का। तो लेकिन जब तक कहानी से शिक्षा नहीं बताई जाती, उसको ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक बाबा कहते हैं कहानी का भी कोई अर्थ नहीं है। कहानी से जो शिक्षा है वो ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से सदगति मिलती है। उस कहानी के करेक्टर्स को सुन लिया, क्या किया, उससे कुछ सदगति नहीं होगी। उससे निचोड़ क्या निकला, ज्ञान क्या निकला, शिक्षा क्या मिली, उससे बाबा कहते हैं उस ज्ञान से सदगति मिलती है। और ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा भी सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। बाबा कहते बाप तो सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूर्ण होती हैं और बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूर्ण होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुमको भी पवित्र रहना है। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे। बाबा कहते हैं वहां विकार होते ही नहीं, वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी।
सब सुखी थे। रावण राजे जब से हुआ है तो गिरते आए हैं। बाबा कहते अभी तो कोई काम के ही नहीं रहे, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का किसी को पता ही नहीं पड़ता है, पाप करते रहते हैं, वहां तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र हैं, और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा और बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंज कहा जाता है। नंज माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन। बट क्राइस्ट ब्रह्मचारी रहते हैं। बाबा कहते तुम भी नंज हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंज बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उनों की बुद्धि फिर भी दो, बाबा कहते उनों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है, सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। बाबा कहते आप बच्चों को है, परमात्मा वह कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं, समझते हैं वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते कि मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है, जो हर एक की बात को बैठ के दिल को रीड करूंगा। बाबा कहते हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। बाबा कहते गाया हुआ है कि देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर छिप कर आए तो बैठते हैं तो वह असुर हुए ना। बाबा कहते आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यनाश करते हैं। ऐसे बहुत हैं जो छिप कर जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़े ही जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। बाबा कहते ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यनाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो दंड खुद के, तो बाबा कहते तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो क्यों आते हो, कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूँ, आखरीन तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। तो बाप समझाते हैं तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहोगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है, कहते हैं बाबा इनके हाथ का भी खाना अच्छा नहीं लगता। बाबा ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटखिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। बाबा कहते कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे, उनको बहुत मुश्किल लगता है कि पवित्र कैसे रह सकते हैं। बाबा कहते यह तो कब सुना ही नहीं, वो लोग कहते हैं कि हमने तो ऐसी बातें सुनी ही नहीं, सन्यासी भी नहीं रह सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। तो बाबा कहते वो हैरान होते हैं कि कैसे घर में रहकर पवित्र रहा जा सकता है, फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि सन्यासी भी नहीं रह सकते इसीलिए तो वो घर बार छोड़ते हैं। बाबा कहते परंतु यह किसी को पता नहीं, क्या नहीं पता कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ, तो क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो कहते हैं कि बताओ किसी शास्त्र में लिखा है कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आएंगे। तो बाबा कहते ये तो गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, वे अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा कहते ये तो लिखा हुआ है, फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे।
तो बाबा भी जस्टिफिकेशन देते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना, तो आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे कि मामेकम याद करो। एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसी को भी चैन नहीं। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं। बाबा कहते हैं इतनी रेस कर ना सके, यह तो पढ़ाई की बात है ना, अज्ञान काल में हो सकता है, आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वह तो है पतित विकारी मार्ग, पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़े ही मालूम पड़ेगा। बाबा कहते तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, यह छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको यह अभी मालूम है। बाबा कहते उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे, तुमको भी बाद में वहां पर ये बातें याद नहीं रहेंगी। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें, बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे, बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे, यह आत्माओं की रेस है। बाबा कहते जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे, और यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर वन निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा जी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनी। कोई भी भूल को छिपाकर अपने को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। और सेकंड पॉइंट है, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है
कि सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया है कि सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है। क्या गायन है? कि सच तो बिठो नच, सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते, लेकिन झूले को हिलाते हैं। यह हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। स्लोगन, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति।